गाइस वेलकम टू आवर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे DSSP PGT फिजिक्स के लिए। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं PGT फिजिक्स के लिए DSSP में। तो आज का टॉपिक हमारा है बड़ा काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो हमारे पास टॉपिक है, ये यूजुअली क्या होता है कि 11th क्लास में आता है। तो इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 5 या 6 लेक्चर्स प्रिपेयर किए थे और वीडियो बना के डाली थी 11th क्लास की। तो यहाँ पे वो वाला बेसिक सारा यूज़ होगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करूँगी उनका लिंक डाल दूँगी। अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उससे बेटर मैं कहूँगी कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप पहले एक बार ही उस लिंक पे क्लिक करके वीडियो सुन लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि मैं लिंक डालूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। ये सैम्पल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नहीं कि यही पूछे जाएंगे। ए बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड मतलब फेंका जाना अपवर्ड्स। कैसे फेंक रहे हैं हम उसको? ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं विद ए वेलोसिटी यू। यू वेलोसिटी के साथ हम क्या कर रहे हैं? बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं। रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट, बॉडी क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाती है 4 सेकंड में। जहाँ से गई वहीं पे वापस आ गई कम्प्लीटली 4 सेकंड में। तो यहाँ से हमें पता क्या चला, टोटल टाइम जो हमारे पास है, टोटल टाइम हमारे पास 4 सेकंड है। जितने पे गई उतने में तो वापस आएगी। ये तो नहीं कि जाती बड़ी ज़्यादा देर लेगी, आती बार वापस कम टाइम लेगी, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस है, सेम ही पाथ है। तो मतलब मैं बोल सकती हूँ जाने और आने का डिस्टेंस क्या, टाइम क्या हो जाएगा? 4/2, दैट इज़ 2 सेकेंड। जाने में उसको 2 सेकेंड लगेंगे, आने में भी उसको क्या लगेंगे? 2 सेकेंड लगेंगे, बोल सकती हूँ ना मैं ऐसे। ठीक है, और उसने क्या दिया हमें? अब इसमें ग्रेविटी का रोल भी होगा। उसने ग्रेविटी दी, जब वो ऊपर से वापस नीचे आ रही होगी तो उस टाइम पे हमारे पास क्या रहेगी? यू वेलोसिटी क्या रहेगी? ऊपर से जब नीचे आ रही होगी तो जो हमारे पास एक्सेलेरेशन है वो क्या रहेगी? -10। माइनस क्यों आया? जब किसी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो पॉजिटिव, जब हम नीचे की तरफ लेते हैं तो वो क्या हो जाती है? नेगेटिव। तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो एक्सेलेरेशन क्या होगी? -10। अब फाइनल वेलोसिटी तो उसकी 0 ही है, इनिशियली से वो चल रही है, फाइनली तो वो नीचे आके ज़मीन पे ही रुक रही है। तो मतलब यहाँ से क्या हो गया? वी भी हमारे पास क्या हो गया? 0। ठीक है, और टाइम तो हमें पता ही है कि क्या है बड़ा? 2 सेकेंड। तो यहाँ पे अब आप वैल्यू रख दो, इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल में यू प्लस में 80। सारी वैल्यूज़ को पुट करो, सारी वैल्यूज़ पुट करने पे क्या आएगा? वी 0 है, यू हमारे पास कितना दे रखा है आपको? यू हमें निकालना है, ए हमारे पास क्या दे रखा है? -10, और ये हमें क्या दे रखा है? मल्टीप्लाई में 2। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन यू की वैल्यू क्या आएगी? 20। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है? करेक्ट है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है, एक कार है जो कि मूव कर रही है हमारे पास। ए कार इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से चल रही है? 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो मतलब उसकी इनिशियल हमारे पास दे रखी है कितनी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कितनी वेलोसिटी से चल रही है। और क्या उसने हमें दे रखा है? यू टर्न ले रही है वो कितनी देर में? यू टर्न ले रही है वो 5 सेकंड में। यू टर्न ले रही है वो 5 सेकंड में। ठीक है, तो मतलब टाइम क्या है? 5 सेकंड हमारे पास टाइम दे रखा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, टाइम तो क्या है? 5 सेकंड। और वापस लेके आ रही है विदाउट चेंजिंग इट स्पीड, मतलब उसके जाने की स्पीड और आने की स्पीड क्या है? सेम। जाने की स्पीड और आने की स्पीड सेम है, लेकिन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन तो अलग हो जाएगी ना, यहाँ पे डायरेक्शन अलग हो जाएगी। अब आप सोच रहे होगे कि स्पीड दे रखा है तो स्पीड में डायरेक्शन क्या क्या काम है? ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने काइनेमेटिक्स में समझा दिया था, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पर क्लिक ज़रूर करना। ठीक है, तो जाने की स्पीड क्या हो जाएगी? 25, और वापस आने की स्पीड क्या हो जाएगी? -25 हो जाएगी। आपको अगर निकालना है एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगी? फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक तो आपके पास क्या दे रखिए? माइनस में दे रखिए, डिवाइड बाई 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 50/5, दैट इज़ 10। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है एक स्टोन है जिसको हम क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। कहाँ से? टॉप ऑफ ए टावर, टावर के ऊपर से फेंक रहे हैं। ठीक है, और कितने में भेज रहे हैं और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? ये वाला मतलब आपको डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे 24.5 मीटर। इन द लास्ट सेकेंड ऑफ 5th जनवरी, जब भी इस तरह की न्यूमेरिकल आ जाए वहाँ पे हमारे पास स्पेशल फॉर्मूला लगता है। किस तरह का? वहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगता है यहाँ पे इस तरह का, dn इज इक्वल में u प्लस में a बाय 2 2n-1। जब भी आपको ns बोल दिया जाए, लास्ट सेकंड वगैरह बोल दिया जाए, तो इस तरह का फॉर्मूला लगता है। अगेन ये कॉन्सेप्ट मैं काइनेमेटिक्स में अच्छे से समझा चुकी हूँ पर्टिकुलरली, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो 5 लेक्चर्स हैं उनके लिंक पे जाके क्लिक करना। ठीक है, तो अब हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है आपको। ठीक है, और क्या दे रखा है? जब वो स्टार्ट कर रहा है, जब वो ऊपर से स्टार्ट कर रहा होगा तो इनिशियली वो क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा, तो यू क्या रहेगा? 0।
और एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमें पता ही है क्या होती है, 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो मतलब आपको क्या निकालना है एस, और आपको क्या निकालना है। अब एस निकालने के लिए एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। अब सब कुछ है, चाहिए क्या टी, तो मैं यहाँ पे एन की बजाय टी रिप्लेस कर दूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डी टी इज इक्वल में यू प्लस में ए बाई टू टू टी माइनस वन। तो डी टी आपको दे रखा है 24.5, यू क्या है 0, ये क्या है 9.8, और यहाँ पे हमारे पास टी क्या रहेगा, टी माइनस वन। तो यहाँ से टी को कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, 3 सेकेंड। अब आपके पास टी की वैल्यू 3 सेकेंड आ गई, इस टी की वैल्यू को आप क्या कर सकते हो यहाँ पे पुट, यहाँ पे सोल्व करने पे आपका आंसर क्या आएगा, एस क्या आ जाएगा, 44.1 मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है द ट्रिपलिंग द स्पीड, ट्रिपलिंग, ट्रिपल करने का मतलब क्या हो जाता है, 3 टाइम्स। अगर हमने स्पीड को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया मोटर कार की, मल्टीप्लाई ए डिस्टेंस नीडेड फॉर स्टॉपिंग इट, मैंने स्पीड को 3 टाइम बढ़ा दिया तो मुझे फोर्स कितना लगेगा उसको स्टॉप करने में, आपको ये बताना है। ठीक है, मतलब सॉरी फोर्स नहीं, आपको डिस्टेंस कितना लगेगा उसको स्टॉप करने में। तो आप लोगों को ये चीज़ पता है कि रिलेशन क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। और वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से किसके इक्वल होता है, एनर्जी के, तो 1/mv² काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ से आपको क्या पता चला है, mv² इज इक्वल में F(s). तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो s है और v में क्या रिलेशन है, s और v में रिलेशन है ये। अब आपने स्पीड को 3 टाइम्स बढ़ाया, जब आप स्पीड को 3 टाइम बढ़ा दोगे मतलब यहाँ पे आप क्या रख दोगे, 3 का स्केयर करोगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो कितना टाइम्स हमारे पास डिस्टेंस बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक बॉल है उसको क्या कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ए बॉल इज थ्रोन अप, पहले हमने उसको फेंका फिर उसके बाद हमने उसको कैच भी कर लिया 6 सेकंड में, पीछे की तरह ही क्वेश्चन है पढ़ा। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम होगा 6/2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल टाइम 6 है, एक बार जाएगी एक बार आएगी, तो ईच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगेन पुट कर दो वी इज इक्वल में यू प्लस में 80, पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि फाइनल क्या हो रही है, बॉल स्टॉप हो रही है, तो 0। यू की वैल्यू हमें नहीं पता और ए की वैल्यू वापिस आ रही है, तो मतलब माइनस लेंगे, -10 लेके चलेंगे। टी की वैल्यू क्या दे रखी है, 3। तो यहाँ से यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यू की वैल्यू आ जाएगी 30। आ गई, अब आपके पास यू की वैल्यू आ गई, आपको निकालनी किसकी है, एस की। वी की वैल्यू भी आपको पता है 0 है, और आपको ए भी पता है कि -10 है। अब आप इन तीनों को सोल्व करके एस की वैल्यू नहीं निकाल सकते, किस फॉर्मूले से, एस इज इक्वल में यू टी प्लस में 1/2 80 स्केयर से भी निकाल सकते हो। ठीक है, या आप इससे भी निकाल सकते हो, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल में 2s। किसी भी फॉर्मूले से आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 45। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ दे रखा है, किसके वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है, एम हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है, आपको डिस्टेंस बताना है इस टाइम में कितना डिस्टेंस होगा। एम अगर स्लोप ऑफ लाइन है तो आपको पता है ना स्लोप किसके इक्वल होती है, टेंजेंट थीटा के। तो यहाँ से अगर हमें टेंजेंट थीटा निकालना है तो क्या निकलेगा, कैसे निकलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी, बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास क्या है, ओ बी, ये तो टाइम है यहाँ पे, तो ओ बी। ठीक है, ए बी आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है बड़ा, यू इनिशियल वेलोसिटी है यू, तो यू बाय में ओ बी। तो ओ बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ओ बी इज इक्वल में यू बाय में एम। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, डिस्टेंस तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही ट्रैवल होगा ना, कितना ट्रैवल हुआ। तो यहाँ पे एक ही पूरी ट्रायंगल बन रही है, तो मैं लिख सकती हूँ डिस्टेंस इज इक्वल में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यही बन रहा है ना हमारे पास। तो यहाँ पे एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, बेस इनटू हाइट बाय 2। तो बेस आपका यहाँ पे क्या है, ओ बी, हाइट आपके पास क्या है, ए बी, और डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, ओ बी की वैल्यू क्या है, यू बाय एम, ए की, ए बी की वैल्यू क्या है, यू, और डिवाइड बाय 2। तो आपका आंसर क्या आ गया, यू स्क्वायर बाय में 2m। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गाइस, 4th ऑप्शन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, ये जस्ट एक सैम्पल क्वेश्चंस थे। ठीक है, आप अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन जाके कह सकते हैं, मैं इस तरह के और क्वेश्चंस की वीडियो भी बना के डाल दूंगी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए।
ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले जाके जो मैं लिंक डालूंगी उनको एक बार सुनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक बॉडी है जिसको हमने क्या किया, फेंका है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के ऊपर से हम फेंक रहे हैं। अब हमने टावर के ऊपर से फेंका तो मतलब हमें 40 मीटर तक जा रहा है वो, ठीक है, मतलब एक तरह से हमें डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड। अब दोबारा वही वाली बात होगी, मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, डी एन वाला फॉर्मूला होगा, दैट इज़ ये वाले फॉर्मूला यूज़ होंगे, डी एन इज इक्वल में यू प्लस में ए बाई टू टू एन माइनस वन। आपको हाइट बतानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट 2 सेकेंड से क्या हो जाएगा, मतलब टी एक लेंगे टी और एक क्या लेंगे टी माइनस वन, तो टोटल डी क्या बन जाएगा, डी टी प्लस में डी टी माइनस वन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो इस फॉर्मूले से, यहाँ से पुट करोगे जब भी हम इनिशियली फेंकते हैं तो इनिशियली तो वो चीज़ क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी, हमने बॉडी को फेंक रहे हैं टावर से, तो जब वो रेस्ट पे होगी तो इनिशियली तो वो ज़ीरो पे होगी, तो यू क्या हो जाएगा दोनों केसेस में, ज़ीरो, और एक्सेलेरेशन की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेविटी जी बाई टू, और अंदर क्या बचेगा टू टी माइनस वन, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा ज़ीरो प्लस में जी बाई टू, अंदर क्या रहेगा टू टी माइनस वन माइनस वन। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से सोल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे डी की वैल्यू हमें पता है 40, यहाँ से इक्वेशन को सोल्व करने पे हमारा आएगा 5 × 4 इंटू टी माइनस वन सोल्व करने पे, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से टी की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। अब आपके पास टी भी आ गया, आपके पास यू भी है, और आपके पास एक्सेलेशन भी है, तो आप क्या बता दोगे एस, तो यू टी प्लस में 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर, यू क्या है यहाँ पे 0, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई में एक्सेलेशन क्या लेंगे 10 ग्रेविटी की वजह से मल्टीप्लाई में 3 × 3, तो आपका आंसर क्या आ गया 45 मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, तो गाइज इस तरह के हमारे पास कुछ सैम्पल क्वेश्चंस थे पड़े जो कि DSSB PGT फिजिक्स में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग और क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में रखकर कह सकते हैं, सोल्व क्वेश्चंस करना चाहते हैं, अनसोल्व करना चाहते हैं आप सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में जाके कह सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।